मुजफ्फरपुर जिला के ब्लॉक गायघाट ग्राम पंचायत बुआरी डी वर्तमान पैक्स अध्यक्ष मनीष कुमार समाज सेवी से हमारे संवाददाता महेश सिंह ने बातचीत की। आइए देखते हैं मुजफ्फरपुर से खास रिपोर्ट। नमस्कार टीवी वन इंडिया न्यूज़ में सर, आप अपना पूरा परिचय दें। मेरा नाम मनीष कुमार जी, पिता राम प्रदेश यादव, ग्राम बुआरी डी टोले मुन्नी पोस्ट रामनगर थाना गायघाट जिला मुजफ्फरपुर। मैं वर्तमान में पैक्स अध्यक्ष हूँ जी। कितने बार से हैं? तीन बार से जी। तीन बार से लगातार पंचायत के पैक्स अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं, तो क्या कार्य करके दिखाए हैं पब्लिक जनता गण के लिए? पब्लिक के लिए जो भी हमसे संभव हुआ, जो भी जरूरत पड़ा, जखंदा जरूरत पड़ा पब्लिक को, हम उनके साथ हैं और सदा साथ रहेंगे। मान सम्मान देते रहे, मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा में। इस बार भी आने वाले समय में इलेक्शन की घड़ी आ गई है, तो क्या लक्ष्य रखे हैं पंचायत के पब्लिक जनता गण के? पंचायत के लग में हम कोनो पुराने कैंडिडेट नहीं हैं। उन लोगों को अपने समझ में आ रहा है, चाहे समझेंगे कि जो भी अच्छा हो, मान सम्मान जहां मिलता हो, इज्जत प्रतिष्ठा हो, कोई चीज़ की कमी नहीं होती। पुराने नहीं है, पुराने तो है ना, लगातार तीन बार से हैं जी। तो वो अपने समझ रहे हैं ना कि कौन कैसा आदमी है, कौन कैसा प्रतिनिधि है। हमारे हम जाएंगे तो वहाँ इज्जत प्रतिष्ठा मिलेगा या मान सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा जी, तो वो अपने वो जनता मालिक के ऊपर डिपेंड है। क्या क्या व्यवस्था रखे हुए हैं पंचायत में? पंचायत में क्या व्यवस्था रखे हैं बुआरी डी पंचायत के पब्लिक जनता गण के लिए? हमसे जहाँ तक जो संभव होता है सब पब्लिक के लिए सारा व्यवस्था अवेलेबल रहता है। धान के बारे में बता सकते हैं, खरीदारी के बारे में? धान के बारे में खरीदारी सर समय से होती नहीं है, सरकार का जो नियम है अभी धान खरीदारी होनी है, होती नहीं है। गोदाम की क्या क्षमता है? 200 एमटी की गोदाम। रख रखाव के बारे में बता सकते हैं? रख रखाव गोदाम में रख सकते हैं जी। पंचायत के पब्लिक जनता गण के लिए आने वाला समय में जी, पिछले टर्म जो कार्य करके दिखाए हैं उससे भी अधिक से अधिक कार्य करके दिखाएंगे जहाँ तक हमसे संभव है। कहें ना कि कहीं से कोई नहीं है, हमारे लिए लग में कोई जनता नहीं है, सब पैक्स से अध्यक्ष है और सब मालिक है जनता। आप पैक्स अध्यक्ष नहीं है, पब्लिक पैक्स अध्यक्ष जी, जी। तो क्या संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं पंचायत की जनता से? अपील करेंगे कि अगर हम आपको अच्छा लगते हैं या आपके साथ गलत व्यवहार नहीं किए तो आप मेरे साथ रहिएगा, एक चांस फिर मौका दीजिए सेवा करने का। बिहार सरकार के कार्यकलाप के बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं? बिहार सरकार की जो भी कार्यकलाप हमारे स्तर से होती है, कहीं किसी आदमी को कोई त्रुटि नहीं होती। दीपावली और छठ के अवसर पर पब्लिक से क्या संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं? दीपावली छठ पर्व के अवसर पर सभी लोगों से, सभी बिहार वासियों पंचायत वासियों से निवेदन है कि सभी लोग छठ पर्व की शुभकामनाएं हम लोगों आपके साथ हैं। धन्यवाद।